हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राण नॉलेज पर मोस्ट वेलकम। आइए आज मैं आपको आलू की खुदाई दिखाता हूँ, कितने सारे आलू निकले हैं हमारी एक ही डोल से। देखिए फ्रेंड्स, आलू निकले हैं हमारे, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहे होंगे। इस जगह से खुदाई की है मैंने, तब जाकर ये आलू निकले हैं। ये वाले आपको दिख रहे होंगे, ये वाले आलू, और देखिए मैंने इस जगह से की है ये खुदाई। देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे आलू के पेड़ हैं। ये इसे खोद कर दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए कितने अच्छे आलू निकल रहे हैं, देखिए। इस पेड़ को हम तोड़ देंगे और इन आलू को हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे आलू निकल रहे हैं हमारे यहाँ फार्म हाउस से। ये देखिएगा कितना अच्छा आलू निकला है ये, और इसी तरह हम इस पूरी मेड को तोड़कर दिखाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 5 आलू निकले हैं हमारे इतनी सी जगह से। अभी मैं आपको इस पूरी डोल को खोद कर दिखाऊंगा, तब देखिएगा कितने अच्छे आलू निकलते हैं हमारे इस डोल से। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको खुदाई कर दिखाऊंगा आलू की। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखा रहा हूँ मैं आलू का पूरा खेत, और ये देखिए मैं खुदाई करता हूँ आलू की। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं खुदाई करता हूँ अब आलू की। ये निकला है हमारा एक और आलू, और इसी तरह से हम इस पूरी डोल को खोदेंगे। ये देखिए हमारा एक और पेड़ निकला है, इसे बहुत देखिए 2 आलू निकले हैं हमारे यहाँ से। फ्रेंड्स, ये इस डोल से 4 किलो आलू निकले हैं लगभग। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ है, ये देखेगा, और इसमें कुछ छोटा भी है। ये देखेगा, ये भी देखेगा, ये हमारा आलू का खेत में से ये निकले हैं, और ये हमारा कूड़ा निकला है जिसे हम आलू के ट्रीज भी कहते हैं। ये जब आलू पक जाते हैं तो ये कूड़ा ख़राब हो जाता है, इसे हम कूड़े पर फेंक देंगे, या हम इससे खाद भी बना सकते हैं। इसकी खाद काफ़ी अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, आइएगा आपको मैं ले चलता हूँ अपनी पहली डोल के आलूओं पर। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसको इस बकेट में रख रखा है। ये देखिएगा कितना बड़ा आलू निकला है हमारा, और ये देखिएगा इसमें कुछ छोटे भी हैं। ये देखिएगा, और इसका कूड़ा देखिए, वो पड़ा है हमारा कूड़ा फ्रेंड्स। ये हमेशा
डोल में ही लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह डोल में लगाते हैं आलू को। अगली बार जब मैं बोऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कैसे बोते हैं आलू को। बट अभी मैं निकाल रहा हूँ आलू को, तो ये निकलते हुए वीडियो ये निकलते हुए हमेशा इस तरह खोदें आलू। फ्रेंड्स, ये हमारे आलू कट गए हैं फावड़ा लगने की वजह से। ये देखेगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसे हम पहले यूज़ कर लेंगे वरना ये सारे आलू को गला देगा। और फ्रेंड्स, आप इसे 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक बो सकते हैं और फरवरी के महीने में निकाल सकते हैं। ये देखेगा फ्रेंड्स, आपको मैं पौधे की पहचान कराता हूँ। ये देखेगा, जब पौधा आपका सूखने लग जाए इस तरह से, इसके ऊपर का हिस्सा, तो आप इसे खोद सकते हैं। और 4 महीने इसका टाइमिंग है, 4 महीने बाद आपको खोद ही लेने चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।